नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक गुप्ता, साइन अप ऑटो वाले अंकल चैनल। आप लोग को मालूम ही है दोस्तों कि अब जो है मूवी जो है इतनी अच्छी अच्छी लग रही है, क्या बोलना बोलने का क्या है। पब्लिक के अंदर इतनी जो है मतलब इतनी बेताब से बैठी थी पब्लिक, और निकलना जो चालू हुआ पब्लिक जो है मूवी देख रही है। तो दोस्तों हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, माहौल जिस तरीके से बना हुआ है उसके ऊपर जो है बात करेंगे। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है माहौल जिसने बनाया वो था सूर्यवंशी, जो कि हम लोग की आशाएं उसके ऊपर लगी हुई थी कि हम लोग सोचे थे कि सूर्यवंशी 300 साढ़े 300 जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। वो मूवी जो है लगी और पब्लिक को खींच के लेके आई, पब्लिक देखी, और जिस तरीके से रोहित शेट्टी ने प्रचार किया था उसका हुआ और पैसा निकल गया। लेकिन जो है हम लोग जो सपना देखे थे वो नहीं हुआ दोस्तों। बहुत दुख हुआ कि अगर 300 साढ़े 300 हो जाती थी तो अक्षय कुमार की ये सबसे कम नहीं तो ये मूवी जो है एक हाईएस्ट की मूवी रहती थी। अब रहेगी दूसरी बात अंतिम आई, अंतिम जो है सलमान खान जो है सबको मालूम है कि वो बॉक्स ऑफिस पर खींच के लेके आता, भले कम बजट की थी पब्लिक देखे, और उस मूवी से जो है आयुष शर्मा को एक अलग पहचान की मिली। और आज जो है मतलब जब भी मूवी दूसरी आएगी तो आयुष शर्मा जो है नाम रहेगा, और सलमान खान ने बहुत सपोर्ट किया। अब दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो है धीरे धीरे मूवी आती गई, चंडीगढ़ आशिकी आई, वो भी कुछ खास नहीं रही, फ्लॉप रही। तड़प आई, तड़प भी मूवी ठीक थी, पब्लिक ने पसंद किया, लेकिन जिस हिसाब से मतलब पब्लिक को खुमार भरा और पब्लिक देखना चालू किया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं रही और बिजनेस नहीं गया। अब उसके बाद जो है मूवी आई पुष्पा पुष्पा मूवी जो साउथ की जो है पहले से चर्चित थी, और अल्लू अर्जुन जो है, मैं पहले ही बोला था ना, जिस दिन अल्लू अर्जुन जो है पेन इंडिया रिलीज में और बॉलीवुड में कदम रखेंगे तो उनका जो है नाम बहुत तेज़ी से उभरेगा, और नाम ये उभरेगा कि सब लोग जो है अल्लू 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 अर्जुन अल्लू अर्जुन बोलेंगे। दोस्तों वही हुआ, लेकिन सबसे बुरी खबर ये है कि हिंदी वर्जन में जैसे KGF का जो है बहुत कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया हिंदी में, वैसे ही अल्लू अर्जुन की मूवी जो है हिंदी में बहुत कम, लेकिन जहाँ जहाँ लगा है वहाँ पर जब से मूवी ये लगी तब से सिर्फ हाउसफुल का बोर्ड देखने को मिल रहा है, हाउसफुल, और पब्लिक एक नहीं दो दो बार देख रही है, जो कि अपने गेटी का ही गैलेक्सी में ही लगा है, वहाँ का ही जाके माहौल आप देख लो, अच्छी खासी चल रही है। तो पब्लिक जो है अल्लू अर्जुन के जो है कायल हो चुकी है, और जो है जैसे यस जो है सिर्फ वो मूवी जो है थोड़े ही स्क्रीन पर लगी थी और पब्लिक जो है अच्छे खासे उनके फैन बन गए। ऐसे ही अल्लू अर्जुन के जो है एक ऐसे ही सितारे हैं जो कि बहुत तेज़ी से, जैसे रजनीकांत का जो है नाम आया वैसे अल्लू अर्जुन का नाम जो है चल चुका है। अब जो है जब भी मूवी कोई अल्लू अर्जुन की लगेगी तो दोस्तों ये तो अब तो टिकट मिल भी जा रहा है, हाउसफुल हो जा रही है, हो सकता है दो दो तीन तीन हफ्ते तक हाउसफुल हो जाएगी। तो दोस्तों ये अल्लू अर्जुन का जो है जादू है, और पब्लिक जो है बॉक्स ऑफिस पर जो है पब्लिक आ रही है और देख रही है, और पब्लिक इंजॉयमेंट कर रही है। मूवी भी वैसी है, मैं देखा नहीं लेकिन आपको मैं ट्रेलर देखा उसके हिसाब से मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि अल्लू अर्जुन कुछ ऐसे छाप छोड़ देंगे कि जो कि जो है प्रभास को भी पीछे छोड़ देंगे दोस्तों, प्रभास को भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अब जो है आपको मैं बता दूं, इनका भी जो है नाम बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है और पब्लिक इन्हें बहुत अच्छी खासी पहचानने वाली है। तो दोस्तों अब रह गई 83 जो है वर्ल्ड कप के ऊपर मूवी ये बनी है, और ये मूवी जो है यकीन नहीं मानोगे तो ये मूवी भी अच्छी खासी कलेक्शन कर रही है, लेकिन थोड़े दिन चलेगी और पब्लिक देखेगी, लेकिन इसका जिस हिसाब से कलेक्शन होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन स्पाइडरमैन को टक्कर देते हुए अल्लू अर्जुन जो है चल रहे हैं, और सब अच्छा खासा उनका कलेक्शन चल रहा है,
आज जितनी मूवी है, मतलब जितने भी वर्जन में है, अच्छी खासी कलेक्शन हो रही है। कम से कम नहीं तो इस मूवी का 230 से 235 करोड़ के पार हो चुका है, ब्लॉकबस्टर मूवी हो चुकी है और बहुत कमाएगी। लॉन्ग टाइम तक ये मूवी चलेगी, पुष्पा मूवी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, जनवरी फरवरी तक चलेगी ये मूवी। पब्लिक पसंद करेगी और ये मूवी देखते रहेंगे पब्लिक, और बहुत कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों बस मैं यही चाहूँगा कि जिस किसी ने ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और नए लोग जो है वो घंटी बजा दो। घंटी बजाने से होएगा कि जब भी आपको मैं वीडियो डालूँगा आपको मैसेज आएगा, आप देख सकते हैं। और एक नमस्कार, जय हिंद।